Okay, students, let's move to our next question. Question number 2. AD is an altitude of an isosceles triangle ABC in which AB is equal to AC. ABC एक isosceles triangle दिया गया है जिसमें साइड AB बराबर है AC और AD altitude है. Show that AD bisects BC. हमें क्या दिखाना है? AD BC को bisect कर रहा है. मतलब जितना BD है उतना ही DC हमें साबित करना है. Okay? और सेकंड पार्ट में AD bisects angle. मतलब एंगल BAD ये वाला एंगल दिखाना है बराबर CAD के. Okay? बहुत ही इजी क्वेश्चन है. तो सॉल्व करते हैं इसको. क्या लिखेंगे? गिवन क्या है? गिवन है AB इज इक्वल टू AC और एंगल ADB इज इक्वल टू ADC. एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC इज इक्वल टू 90 डिग्री. क्यों? बिकॉज AD इज altitude ऑन BC. तो जाते हैं इस वाले दो ट्राइंगल्स के पास, देखते हैं. ट्राइंगल ट्राइंगल ADB और ट्राइंगल ADC, AB AC के बराबर, 90 यहां पे, 90 यहां पे, और AD कॉमन. हमने पढ़ा है RHS, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड कॉन्गरेंसी रूल. पहली शर्त, दो ट्राइंगल्स में दोनों 90 होने चाहिए. एंगल ADB 90 और ADC भी 90. उसके बाद 90 डिग्री के अपोजिट वाला साइड हाइपोटेन्यूज, ADB वाले ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज और ADC ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज है AC. दोनों हाइपोटेन्यूज बराबर है, ठीक. और तीसरा साइड परपेंडिकुलर आल्टीट्यूड इनका बराबर. तो बाय RHS दोनों ट्राइंगल्स जो है वो क्या हो गए? कॉन्गर. तो लिखते हैं इन ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल ADC, एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC ईच 90. ओके, उसके बाद AB इज इक्वल टू AC, एक गिवन है. उसके बाद AD इज इक्वल टू AD कॉमन है. तो देयरफॉर बाय RHS congruency triangle ADB, triangle ADB congruent है triangle ADC. जब ये congruent हुए तो ये वाला एंगल BAD बराबर होगा CAD, then एंगल BAD बराबर होगा CAD, ठीक. BAD बराबर होगा CAD बाय CPCT और क्या होगा? BD होगा बराबर DC एंड BD इज इक्वल टू DC, सेम रीजन बाय CPCT. तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2.